दोस्तों अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की अर्थिंग की जाती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में नॉर्मली दो प्रकार की अर्थिंग की जाती है, दो प्रकार की। अब दो प्रकार की कौन कौन सी अर्थिंग होती है, जिसमें जो पहली अर्थिंग होती है, जैसे मान लीजिए जो हमारा ये मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है ये पूरा, ठीक है, और इसका जो स्टार पॉइंट है, मान लीजिए ये स्टार पॉइंट है, ये न्यूट्रल है, ठीक, और ये इसकी पूरी बॉडी हो गई। तो एक अर्थिंग तो यहां पर हम कर देते हैं इसकी बॉडी को, और एक अर्थिंग इस न्यूट्रल वाले पॉइंट को भी हम ला करके अर्थ कर देते हैं। तो दो प्रकार की अर्थिंग होती है, एक न्यूट्रल वाली अर्थिंग होती है, जो कि इसलिए किया जाता है कि जो वोल्टेज अनबैलेंस वगैरह जो भी होता है, तो उन चीजों को जो हमारा हर फेस में लोड सिमिलर रहे, वोल्टेज सिमिलर रहे, इन कई कारणों से न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। और जो यह अर्थिंग होती है, यह इसलिए होती है कि जो ट्रांसफार्मर की पॉप के अंदर हाई वोल्टेज का फ्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होती है, एचटी और एलटी दोनों वोल्टेज होती है, तो किसी भी साइड से अगर वोल्टेज जो सप्लाई है उसका लीकेज होता है तो वह इस ट्रांसफार्मर की बॉडी में ही घूमेगा। तो उस बॉडी उस वोल्टेज को जमीन में ग्राउंड करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो आकाशीय बिजली होती है, जो आकाश से गिरती है, उस पर भी सुरक्षा की दृष्टि से उस बिजली को जमीन में ले जाने के लिए हम इस बॉडी अर्थिंग का उपयोग करते हैं। इसमें से यह जो अर्थिंग होती है, यह मुख्यतः कॉपर की अर्थिंग की जाती है। इसको हम जीआई का भी अर्थिंग कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली इस वाली अर्थिंग को, जो न्यूट्रल वाली अर्थिंग होती है, उसको हम कॉपर का ही करें। क्यों? क्योंकि जो रिटर्निंग करंट होता है, रिटर्निंग पाथ बनता है, वो इसी के माध्यम से ग्राउंड में जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी न्यूट्रल वाली अर्थिंग करें तो वह कॉपर की होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की अर्थिंग होती है। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर भी अच्छे से वीडियो बना के लेके जरूर आऊँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।